नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स ट्रॉपिज्म. ओके, व्हाट इज ट्रॉपिज्म? ट्रॉपिक मोमेंट्स आर डायरेक्शनल मोमेंट विच आर इधर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ठीक है, ट्रॉपिक मोमेंट जैसे डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में अब मोमेंट करेगा प्लांट. अभी तक जो हमने नास्टिक मोमेंट पढ़ा था उसमें है ना, स्टिमुलस के डायरेक्शन में प्लांट मूव नहीं करता है, मोमेंट करता है बट जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस जाए वहीं पर मूव करे. ठीक है, बस मूवमेंट करता है, बस इतना ही. ट्रॉपिज्म में क्या है कि प्लांट का मूवमेंट होता है रिलेटेड इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ. ओके, एंड कहां पर डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में? स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे. ठीक है, ये चीज याद रखना. ट्रॉपिज्म में ये डिफरेंस है कि प्लांट इज शोइंग मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. अगर स्टिमुलस यहाँ है तो प्लांट रिस्पॉन्स इस तरफ बताएगा, दैट इज अवे. अगर स्टिमुलस यहाँ और प्लांट रिस्पॉन्स यहाँ बता रहा है, इट इज टूवर्ड्स स्टिमुलस. क्लियर? ट्रॉपिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म. नाम पे से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें करना होता क्या है. फोटोट्रॉपिज्म यानी अगेन लाइट. ठीक है, इफ अ प्लांट इज इन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, इट इज सेड टू हैव शोइंग फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, अगर कोई प्लांट ट्रॉपिज्म, प्लांट लाइट के डायरेक्शन में या लाइट के अगेंस्ट बता रहा है, देन इट इज सेड टू बी फोटोट्रॉपिज्म. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स ले लो. ठीक है, उसकी एक विंडो यहाँ पर बना दो, ये प्रैक्टिकल बहुत टाइम्स पड़ा हुआ है, और अंदर एक पॉट में प्लांट लगा दो. ठीक है, अगर आप देखोगे तो वो प्लांट नॉर्मली ये विंडो के बाहर से ग्रो करने की कोशिश करेगा, विंडो की तरफ. क्यों? बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द लाइट, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइट. जहाँ लाइट है वो वहीं जाना चाहता है, दैट्स वाई इट इज शोइंग एन पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. यानी कि और चीज एक और, इफ अ प्लांट इज शोइंग टूवर्ड्स स्टिमुलस, सॉरी शोइंग रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर फोटोट्रॉपिज्म है, अगर वो टूवर्ड्स द लाइट जा रहा है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगेंस्ट द लाइट जा रहा है देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, अब ये लीव्स तो प्लांट की तरफ, लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, रूट्स की बात करें तो रूट्स भी जा रहे हैं क्या उधर? नहीं, रूट्स आर अगेंस्ट द लाइट. सो आप कह सकते हो कि रूट्स आर ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. अंडरस्टूड? फोटोट्रॉपिज्म को आप अगर डिवाइड करते हो दो पार्ट में, हाँ, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में डिवाइड होगा. फोटोट्रॉपिज्म इज डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. इट इज टूवर्ड्स एंड इट इज अवे. अगर कोई स्टिमुलस टूवर्ड्स लाइट है देन इट इज दिस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इफ इट इज अवे देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर? फोटो मतलब लाइट, नेवर फॉरगेट. लाइट के रिस्पॉन्स, लाइट इज द स्टिमुलस हियर एंड द रिस्पॉन्स, इफ इट इज इन द टूवर्ड्स द लाइट देन इट इज पॉजिटिव, इट इज अवे फ्रॉम द लाइट देन इट इज नेगेटिव. एग्जाम्पल, आप स्टेम लीव्स ले लो, इट इज टूवर्ड्स द लाइट तो वो पॉजिटिव बता रहे, रूट्स ले लो तो वो नेगेटिव बता रहे. ठीक है, अब जियोट्रॉपिज्म. जियो मतलब जो ग्रेविटी, ग्रेविटी. ओके, अब यहां पर क्या होगा कि कोई एक प्लांट अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में अपना स्टिमुलस, ग्रेविटी इज द स्टिमुलस एंड इफ अ प्लांट इज रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स अ ग्रेविटी, ओके, देन इट इज सेड टू बी हैविंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड इट इज रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट इज सेड टू बी हैव अ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. ये सभी ट्रॉपिज्म में आपको ये चीज ध्यान रखनी, पॉजिटिव और नेगेटिव वो सेम केस सब जगह पर है. अगर टूवर्ड्स अ स्टिमुलस है इट इज पॉजिटिव, इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस दैट इज नेगेटिव. Now, very best example again, the roots we can take. This is the ground level, okay? This is a plant. और ये roots है. तो roots are growing towards the gravity. Gravity की तरफ जा रहे हैं. It means roots are showing positive geotropism. Stem is growing against the gravity. Gravity नीचे खींचती है हर चीज को, but stem ऊपर की तरफ grow कर रहा है. It is going away from the gravity, gravitational force, and it is showing negative geotropism. Okay? Understood? Okay? So this is all about geotropism. Next is hydrotropism. Hydro words for water. Okay, any plant
if it is moving towards the water, then it is said to be a hydrotropism. If it is moving away from the water, then it is said to be a negative hydrotropism. और कोई भी एक प्लांट ले लो और उसके दूर थोड़ा सा पानी रखो और उस प्लांट को वहीं रख छोड़ो और उसके बाद आप उस देखना मोमेंट कि उसकी रूट्स कोशिश करें कि उस प्लांट जहाँ पर पानी है उस उधर तक ग्रो करने की, उस डायरेक्शन में ग्रो करने की. ठीक है, तो वाटर क्या है, स्टिमुलस है और रूट्स का ग्रो इस डायरेक्शन में होना, दैट इज अ ट्रॉपिज्म. और किसके लिए हो रहा है, वाटर के लिए, दैट वाई इट इज अ हाइड्रोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म आपको देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे. फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है कि कीमो मीन्स केमिकल, ओके, ये स्टिग्मा, ये पॉलन ट्यूब, ये ओवरी. ये स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन आके लगता है, इट्स रिलीज सम काइंड ऑफ केमिकल सिक्रेशन. ठीक है, अब ये स्टिग्मा के ऊपर कोई भी तरह का पॉलन ग्रेन आ सकता है, लेकिन एक प्लांट को कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर उसी का पॉलन ग्रेन आया है, सो ड्यू टू सम काइंड ऑफ केमिकल सिक्रेशन. और वो केमिकल सिक्रेशन जब ये स्टिग्मा पर होता है तो वो पॉलन ग्रेन के पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन मिल जाती है उस केमिकल की वजह से. ठीक है, इट मीन्स इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट केमिकल. तो वो केमिकल क्या है, इसको अंदर पॉलन ट्यूब बनाने देता है ये स्टाइल के अंदर, और ये पॉलन ग्रेन फिर अंदर ओवरी के पास जाता है और यहाँ पर ओव्यूल एंड दिस पॉलन ग्रेन विल फर्टिलाइज एन एम्ब्रियो. ओके, फिर ये पॉलन ग्रेन ओव्यूरी में जाकर एग को फर्टिलाइज करेगा और एम्ब्रियो बनाता है. ठीक है, तो पॉलन ट्यूब बनने के लिए जो केमिकल सिक्रीट होना चाहिए, दैट इज रिलीज बाई द पॉलन ग्रेन रिकग्नाइज बाई दिस स्टिग्मा, आपको पता होगा इसका. ठीक है, और फिर वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है. कोई भी पॉलन, ऐसे चांसेस तो बहुत है कि अलग अलग पॉलन ग्रेन आ जाए, लेकिन सभी पॉलन ग्रेन को पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर सके. पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन करेगा. सपोज कि अगर ये रोज प्लांट है तो रोज का पॉलन ग्रेन होगा तो ही वो पॉलन ट्यूब बना सकेगा. ठीक है, वो रिकग्नाइज कैसे करेगा, ड्यू टू दिस केमिकल, एंड द केमिकल इज हियर स्टिमुलस. एंड पॉलन ट्यूब कब बनेगी, जब वो केमिकल को रिकग्नाइज करेगी और तो ही पॉलन ट्यूब बनने देगी और तभी ये पॉलन ग्रेन ओवरी तक पहुंच सकता है. ठीक है, दैट इज इन द फेवर ऑफ केमिकल, दैट इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म. अगर पॉलन ट्यूब नहीं बन सकते, यानी केमिकल्स आर, दिस केमिकल स्टिमुलस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो इट इज अ नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म. Understood, students? Okay, so this is all about tropism. If you have any query, you can ask me. Again, I'm telling you four type of tropism: phototropism, geotropism, hydrotropism, and chemotropism. If you have any kind of query in the tropism or nastic moments, just let me know. The next topic we have to start with the hormones in the plants. Okay, that is related to some kind of growth. Now you can see that this part is also related with the growth. Everywhere, if the plant is responding, it's responding towards the growth. If it is responding towards the light, the growth is responsible over here. Gravity against the growth, okay? Hydrotropism, growth. Chemotropism is the growth, okay? So, this tropism moment is related with the growth, okay? Now, next topic will be starting with the hormones in plant. Ab, plants mein growth hoti hai, toh sirf inki wajah se nahi hoti. There are other factors also responsible for the plant. Ek height ke baad plant bhi nahi grow karte. Toh kyun nahi karte? फ्रूट्स का राइपनिंग होना, ऑल दिस प्रोसेस विल बी स्टडिंग नेक्स्ट टॉपिक, हॉर्मोन्स ऑफ द प्लांट. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस और एनिमल्स, यू कैन से. इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक, जस्ट लेट मी नो.